मुझे फोन पे कॉल क्यों किया था? ये बच्चा, मैं इसका पापा। ये तो राहुल है, अभी अभी नी मम्मा के साथ बाहर गया है। पुत्र जी, कहाँ गया वो? मुझे इसे ढूंढना है, बताओ प्लीज। बताती हूँ बताती हूँ, पहले अपना पानी पीजिए। मेरी मम्मा कहती है घर मेहमान रब का रूप होता है, पहले उसकी सेवा करो फिर बात करो। इसके लिए आप फिर से बताओ क्या खाओगे? कचौड़ी, समोसा, चाय, ब्रेड पकौड़े, पनीर सैंडविच या? सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज मुझे जल्दी बताओ कि आपके मामा इसे कहाँ लेकर गई हैं? पहले आप मुझे आपकी सेवा करने दो। बैठो इधर बैठो। गुड, पहले मैं आपके लिए फुर्सत कावा बना के लाती हूँ, फिर बताती हूँ। आप खड़े हो पहले, उधर जाके हैंड वॉश कर लो। जाओ। रुको 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 रुको, जो जहाँ है वही रहेगा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चलो चलो हाथ ऊपर करो। क्या हो गया मैम? ज्यादा भोली मत बनो, बच्चे को अगवा करके लेके जा रही थी। नहीं मैम, मैं तो चुप। मैडम आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो इसे इसके घर लेके जा रही हूँ दिल्ली। बच्चे को संभालो। बेटा आपका घर कहाँ है? दिल्ली में है क्या? नहीं, अमृतसर। अमृतसर? लेकिन राहुल बेटा आपने तो कहा था कि आपका घर दिल्ली में है। शट अप, गिरफ्तार कर लो इसे। मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कोई बच्चा अगवा नहीं किया। देखिए आप, अब मेरी बात तो सुनिए एक बार। हाँ हाँ, तुम्हारी भी सुनेंगे, थाने चलो। देखिए आप, तुम चुप हो जाओगी या चुप कराऊं तुम्हें? चलो चलो बेटा। हेलो मिस्टर गिल, एसएचओ हमीद खान बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपका बच्चा मिल गया है, हमने किडनैपर को अभी अरेस्ट कर लिया है, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। थैंक यू सो मच खान साहब, थैंक यू सो मच, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, मेरा घर मिल गया। मेरी मम्मा कहती है जिसने मैं आपका कावा नहीं पिया उसने सादा कश्मीरी नहीं देखा। पुत्र जी, आपके हाथ का कावा फिर किसी और दे, अभी मुझे निकलना होगा। ओके। हेलो पुत्र जी, सत श्री अकाल। एक मिनट अंकल जी, असीस सिंह होना खैरात नहीं लेते। मेरी मम्मा कहती है मेहनत और नेकी की कमाई में रब बसता है, फ्री फंका नहीं लेते हम। फड़ो अपने पैसे। आपकी मम्मा ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए, चंदे रहो, रब राखा। रविवीर जी, पापी, गिनी, अजय जी पानी लेके आइए। तू ठीक है ना? 5 साल बाद आपको देख रही हूँ वीर जी। मेरी वो सास मुझे आप दोनों से मिलने ही नहीं देती, उनसे छुपते छुपाते आई हूँ मैं आज आप लोगों से मिलने। और कैसे भाई हैं आप, इन 5 सालों में आपने मेरा हाल तक नहीं पूछा। 5 सालों में? वाह, अचानक 5 साल बाद तुम्हें हम सबकी याद आ गई। गिनी मैं जानती हूँ तुम यहाँ आई नहीं हो, तुम्हें कुलवंत कौर ने यहाँ भेजा है। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। गिनी सच बताओ, इस टाइम कुलवंत कौर के दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसा मत कहो भाभी, मैं सोते जागते उठते बैठते आपको और वीर जी को याद करती रहती हूँ, लेकिन वो मेरी सास मुझे आप दोनों से मिलने तक नहीं देती। इतनी मुश्किल से छुपते छुपाते आई हूँ आप लोगों से मिलने। बेबी, मेरी बहन ठीक कह रही है, और तुम तो कुलवंत कौर को जानती हो। वही तो पॉइंट है मेरा कि कुलवंत कौर को मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले ही उन्होंने हमारे घर में इतना जहर घोल रखा है, हर हफ्ते हमारे गेट के बाहर आकर मातम मनाती हैं। डोंट माइंड गिनी, बट अब हमारा उस घर और उस घर के लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम भी जा सकती हो। ठीक है भाभी, मैं यहाँ कुलवंत कौर की बहू बन के नहीं बल्कि वीर जी की बहन बन के आई हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं चली जाती हूँ। गिनी पागल मत बन, एक तो तू इतने सालों के बाद आई है। Come on, baby, please.
देख वैसे भी लंच का टाइम हो रहा है, खाना खा के जा। ओके थैंक्स पब्बी, आप लोगों को बहुत मिस किया मैंने। लेकिन बाकी सब कहाँ है? सर अब ब्रो वो कहाँ है? उनको मिले को तो जमाना ही हो गया। फिर परम कहाँ है? और करण वो तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। इस बच्चे का नाम राहुल नहीं है और तुम्हारा दिया हुआ हर एक बयान गलत है। इस बात से साफ पता लगता है कि तुम बच्चे को चुरा कर भाग रही थी। मैडम आप एक बार उसकी हालत तो देखिए, कैसे रो रहा है बेचारा। उसे पानी पिलाइए, फिर जो पूछना है पूछेगा। हमें सिखाओ मत कि क्या करना है। मैडम आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि तुम्हारी हर बात झूठी है। मैडम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने इसे अगवा नहीं किया, मैं तो इसको इसके घर लेके जा रही थी। इसे सच्चे पाचा जानते कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुमने हमेशा मेरी मदद करी, आज भी करेंगे। रब से पहले मैं तेरी मदद करती हूँ, तेरा रिकॉर्ड निकलवाती हूँ। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, मेहर कौर गिल ने ही अपने बड़े भाई जग्गा का कत्ल किया है, इसलिए मेहर कौर गिल को दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। पता तो लगे क्या क्या काले चिट्ठे हैं तेरे। मैडम आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैंने इस बच्चे को अगवा नहीं किया है, मैं तो बस राहुल को उसके। Just shut up. राहुल 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 बेटा आपका नाम क्या है और आपके पापा का नाम क्या है? देखिए बेटा आप घबराइए मत, हम सब यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए ही हैं। बोलिए बेटा क्या नाम है आपका? बेटा बोलो क्या नाम है आपका? My name is Orange Singh. Orange Singh. पंजाब में रहता हूँ, अमृतसर में। मेरे पापा का नाम है सरदार सरजीत सिंह। हीरा बच्चा लाखों की भीड़ में भी हो जाएगा ना, तब भी मैं जान लेते मैंने। कॉन्स्टेबल इसके लिए चॉकलेट्स वगैरह लेकर आओ। दी साढ़ा करण मिल गया, दी ती मेरा करण मिल गया, मेरी बहन जी थी निशानी, वो बिल्कुल ठीक है दी, फिक्र करने की बिल्कुल लोड़ नहीं है। चलो शुक्र है रब का, तू अपना ख्याल रख और करण को लेकर जल्दी वापस आ जा घर। हाँ जी आओ, मैं उसे पुलिस स्टेशन लेने जा रहा हूँ। वैसे वीर जी परम अपने नानू नानी के पास रहता है। वैसे वीर जी वो लोग लंदन में रहते कहाँ हैं? अरे वही चर्चिल रोड पे 24 स्ट्रीट के पास। चलो आई एम सो हैप्पी फॉर सरब। जब से करण गुम हुआ था ना सरब की तो जान ही अटकी हुई थी, फाइनली करण मिल गया। करण मिल गया? हाँ वो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है।